What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 27 मार्च 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:35 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल मंथली एक्सपायरी का दिन था। कल हमने देखा कि निफ्टी में जो रिकवरी आई है वो एक दो, अभी क्या ये कंटिन्यू यहां से हो सकती है? कल मंथ की एक्सपायरी का दिन था, तो हो सकता है कि जो सेलर्स बैठे हुए थे, जो शुरू से सेल कर रहे थे, वो कल मंथली एक्सपायरी के दिन अपनी पोजीशन है वो क्लोज कर रहे थे, और जो रिकवरी आ रही थी उसके वजह से उसमें हो सकता है ये जो सेल कर रहे थे वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए ये रिकवरी यहाँ से देखने को मिल रही थी। अभी भी पैटर्न जो बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड का है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये जो रिकवरी है ये यहाँ से कन्वर्ट हो सकती है अपसाइड मूवमेंट में, ये कहा नहीं जा सकता। उसके लिए प्रॉपर पैटर्न बनना होगा प्राइस एक्शन में। तो आज निफ्टी में क्या हो सकता है देखते हैं, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 26 मार्च आफ्टर मार्केट आरसी पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8425। तो जैसे निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा ये साउथ की तरफ आया और फिर से जैसे ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा, तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 8549 ये यहाँ पर अचीव हुआ। सेकंड टारगेट 8648 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। कल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है। एक ही लेवल के पास इसने तीन बार कल ये रेजिस्टेंस फेस किया, तो जहां पर इसका ये नेक लाइन, यहाँ पर ये नेक लाइन बन सकता है। अगर ये आज इसकी नीचे चला जाता है तो फिर से एक बार ये ट्रिपल टॉप पैटर्न के कारण ये और भी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शशिकांता दास 10 बजे प्रेस के सामने आएंगे, तो हो सकता है कुछ ऐलान हो, रेट में कटौती हो सकती है। तो अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो तो यहाँ से हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अगर जितना एक्सपेक्ट कर रहे उतना ही होता है तो एक टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है। देखते हैं लेकिन क्या कहते हैं, रेट कटौती होती है भी है या नहीं, वो देखने लायक होगा। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 84 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 63,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। कल एग्जैक्ट हम लोग का जो सेकेंड टारगेट था उसी के पास ये क्लोज भी हुआ है, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। कल यूएस मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, रिकवरी फेज एक देखने को मिला। नासडैक करीब 400 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर भी हरे निशान में कारोबार हो रहा था। आज एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी 106 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स, हांगकांग इंडेक्स और चाइना मार्केट भी अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर अभी 350 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। अभी ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के वजह से, पूरा इंडिया लॉकडाउन है 21 डेज के लिए। तो अगर ये सिचुएशन यहाँ से वर्स बनती है, यानी ये जो डिसीज है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चला जाता है, तो यहाँ से और भी हालात यहाँ से बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे ऐसा देश इसे नहीं हैंडल कर पा रहा है। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम घरों में बैठे ज़्यादा बाहर ना निकले, इसे ज़्यादा फैलने से हम ही और हम ही सिर्फ रोक सकते हैं। तो आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, अगर वो नहीं मान रहे तो प्लीज़ उनको समझाइए, और जितना हो सके उतना घर में बैठे आने वाले 10 दिन काफ़ी क्रूशियल है। अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अगर ये चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो रिकवरी फेज है, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर फिर से एक बार 350 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चार्ट में क्या सिचुएशन है ये देखते हैं, फिर इंट्राडे लेवल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट को देखते हैं निफ्टी इंडेक्स का। अभी कुछ दिन बाकी है ये मंथ खत्म होने के लिए, तो यहाँ पर ये जो मार्च का कैंडल बना है काफ़ी लंबा कैंडल बना है और स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक बना है। इसका ये जो 76.4 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, इस बॉटम और टॉप को पकड़ के ये जो रिट्रेस हो रहा था, यहाँ पर इस लेवल को इसने काफ़ी पेनेट्रेट किया है। और आप देख सकते हैं 2008 में इसने 100 EMA यानी ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर इसने काफ़ी देर सपोर्ट टेस्ट किया था। तो अभी ये मंथ होने में, ख़त्म होने में 3-4 दिन बाकी है, तो क्या ये 100 EMA को रिस्पेक्ट करेगा? ये 100 EMA के
ऊपर अगर क्लोज होता है तो यहाँ से एक चांस होगा कि ये 100 ईएमए के पास सपोर्ट टेस्ट करे, और आने वाले दिन में अगर कोरोना की स्थिति अच्छी होती है, पॉजिटिव खबरें आती है, तो यहाँ से हो सकता है हमें फिर से एक पुल बैक देखने को मिले। हालांकि जब भी ऐसा एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक बनता है तो उसके बाद अगर ट्रेंड रिवर्सल होना है तो, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनते जाते हैं और फिर एक कंसोलिडेशन फेज आता है और उसके बाद यहाँ से हमें फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक आने के बाद हो सकता है इस कैंडल का लो भी टूटे आने वाले दिन में, अगर न्यूज अगर कोरोना के टेंशन और बढ़ते हैं तो। अदरवाइज 100 ईएमए का एक सपोर्ट यहाँ पर टेक्निकली सपोर्ट है, काफी लोग यहाँ पर एक सपोर्ट देख रहे हैं, बाइंग भी आई थी कुछ दिन पहले यहाँ से जबरदस्त एक, तो ये जो स्विंग लो बना था इसी के पास एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो, और टेक्निकली देखे तो मंथली चार्ट में भी और डाउन ट्रेंड के सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं। तो ये मंथली चार्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर वीकली चार्ट में देखें हम तो यहाँ से जो ये फॉल आया था, ये जो यहाँ से फॉल आया था वीकली चार्ट में, तो यहाँ पर अगर हम इस टॉप और बॉटम का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23.6% का लेवल यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, यानी इस लेवल को कल पेनेट्रेट भी किया था लेकिन जस्ट इसके नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ से ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लेवल्स है एज पर फिबोनाची रेशियोज यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। ऐसा स्ट्रेट फॉल आने के बाद ये ऐसे स्ट्रेट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाता, और अगर ऐसा जम भी आता है तो काफी देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जब भी अपसाइड मूव आना है तो इसे प्राइस एक्शन में हायर बॉटम्स ऐसे बनाना जरूरी है, तो ही यहाँ से अपसाइड मूवमेंट ये कंसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये जो स्ट्रेट अपसाइड मूव आया है ये काफी देर तक सस्टेन नहीं हो पाता। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था RSI के यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहे, ऊपर प्राइस एक्शन में लोअर लोज बन रहे और नीचे ये हायर बॉटम्स यानी हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ से जब भी ऐसा पैटर्न आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में भी अभी एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। अभी ये क्या सस्टेन होगा इसके ऊपर, ये हो सकता है यहाँ से ऐसे नीचे आए और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाए। तो अगर आप देखें यहाँ पर हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, यानी ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न हो सकता है, यानी बेयरिश टू बुलिश पैटर्न है ये। और अदरवाइज ये जो मेन अभी जो स्विंग लो बना है यहाँ पर, इसके नीचे चला जाता है यहाँ से फिर से एक बार, अरे ये यहाँ से एक बार फिर से इस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो और यहाँ पर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये स्विंग लो अगर ब्रेक होता है तो ऐसा पैटर्न बन सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस का एक पार्ट है। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा निफ्टी यहाँ से कैसे मुंह दिखाता है। आने वाले जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है, कल राहत पैकेज अनाउंस हुआ था, आज RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं। तो उससे पहले आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो अगर ये जो R1 का लेवल आ रहा है पिवट पॉइंट का, यानी ऑलमोस्ट 8825 के पास, आप देख सकते हैं इसने 3-4 दिन पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और फिर से नीचे आया था ये, तो इस लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8927, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 100 ईएमए है यानी 9086, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इसको कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, इसके नीचे आने दीजिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर ये 8272 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है 8198, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और सेकेंड टारगेट बनेगा पिवट पॉइंट का H2 का लेवल जो कि 8120 के आसपास है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा।
तो यह आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।